बीएसपी एससी एसटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। सोमवार को अपने 18 वर्ष के अध्यक्षीय कार्यकाल की उपलब्धियों को पत्रकार वार्ता में बताते हुए अध्यक्ष सुनील रामटेके ने कहा कि पिछले 13 साल से ऑडिट ही नहीं हुआ है और बैंक खाता भी केवाईसी के अभाव में फ्रीज पड़ा है। ऐसी मृतप्राय संस्था में पद लोलुप लोग अध्यक्ष बनने की मंशा से आरोप लगा रहे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान सुनील रामटेके ने स्वीकार किया कि बीएसपी एसटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन मृतप्राय हो चुका है, इसलिए ऐसे संगठन की बजाय उन्होंने अपना नाम छत्तीसगढ़ जोड़कर नया पंजीयन कराया है। तो नई संस्था की जहां तक बात है, अगर कोई संस्था डेड हो जाए, मृतप्राय हो जाए, तो उसके लिए उसको ऑडिट करने का काम 13 साल से अगर ऑडिट नहीं हुआ है, तो एक बात मुझे बताइए कि आप सभी गरीबी लोग हैं कि विगत 13 साल से 14 साल से ऑडिट किया, तो ऑडिट का काम अध्यक्ष करता है कि वहां से जीतर या फिर बाकी अदर भी, आप बताइए। अध्यक्ष इंडिकेट तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैं 13 साल से लगातार हर महीने हर मासिक मीटिंग में बोलता रहा ये करना है। पत्रकार भाइयों, अभी मैंने 25,000 का चेक भी दिया था, बोले वहां का तो वो यही नहीं हुआ, क्या बैंक का क्या केवाईसी नहीं हुआ। अरे भाई, केवाईसी नहीं हुआ तो मेरा आधार कार्ड ले जाओ, ये ऐसा बोलने कोई भी बोलने के लिए होता। बोला भाई, माइंस तो यहाँ हिरी माइंस भी है हमारा, एक माइंस बालोद ददरी राजरा वहाँ पर है, और एक माइंस इधर यहाँ पर क्या बोलते हैं अपना नंदिनी माइंस में, और एक माइंस तो अभी मध्य प्रदेश में भी है। तो बोले ऐसा, तो फिर भिलाई स्तर की संस्था कैसे काम कर रही है, तो उसका भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि नहीं। छत्तीसगढ़ शब्द कैसे नहीं जोड़ सकते भाई। बोले जब तक वो आपकी संस्था लीगल तब तक नहीं होगी, जब तक वो छत्तीसगढ़ स्तर की संस्था नहीं होगी, और एक ही संस्था का नाम दोबारा पंजीयन होता नहीं है, और इसीलिए आपको इसलिए मिल सकता है क्योंकि आपका वाकई छत्तीसगढ़। तो क्या बोलते, केवाईसी तक नहीं कर सकते जो लोग 13 साल से ऑडिट नहीं कर सकते, और इन लोग बोलते हैं नहीं दी गई जानकारी, नहीं दी गई है या उनको सम्मान नहीं। मैं सीधा सीधा बॉडी है ना, हाँ। आपकी बॉडी है तो कुछ जवाबदारी अध्यक्ष के नाते आपकी बिल्कुल बनती है, उनको हटा देना था, बिल्कुल हटा देना चाहिए था। आज जब ये आप लोगों ने कहा ना कि सब कुछ, लोगों ने मेरे को समाज के लोगों ने व्हाट्सअप किया, अरे मैं बोला 13 साल से झेल रहा हूँ, लेकिन आप बोले जिन बच्चों को लिखना सिखाया, बोलना सिखाया, खड़े होना सिखाया, इसीलिए आज के जमाने पासपोर्ट पाल पोस करके बड़े करने का जिम्मेदारी आपने जो किया, वही आपकी गलती थी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मिस्टर आर एन सूर्यवंशी, आपने मुझे यही जवाब दिया। रिटायरमेंट के बाद में कौन पद में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये कौन तय करेगा? मैं करूँगा, आप करो कि रजिस्ट्रार तय करेगा? कार्यकारिणी तय करेगी, कार्यकारिणी पहले मीटिंग लेगी या जो करेगी, उसके बाद रजिस्ट्रार ही तय करेगा ना भाई। मैं सीधे सी विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा अध्यक्ष ने जो नियम, ऐसा नियम सदस्यता का लेने का है, समाप्ति का नहीं बना है क्या, ऐसा रहता है क्या? समाप्ति कोई भी संस्था में समाप्ति का तभी रहता है जब या तो पागल हो जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए। ये तो मैं आपको जवाब दे दिया, फिर भी ये मापदंड भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी अधिकारी सेल भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन और ये रजिस्ट्रार करेगा। मैं, मेरी कार्यकारिणी, ये लोग तय नहीं करेंगे। सभी लोग अपनी बात करते हैं, मैं बिल्कुल सीधा सीधा आपके बात को मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं डुबानी, मेरे को तो मिल गया, रजिस्ट्रार ने जवाब दिया है। आपके अगर 13 साल से हुआ है तो रामटेके जी, आपको हमारे जो लोग आपके कार्यकर्ता या आपके सेक्रेटरी ने हमको बोला, लगातार आपसे संपर्क हो रहा है, बातचीत हो रही है, फिर मैंने बातचीत किया तो बोले अभी कर सकते। कौन बोलता है चुनाव नहीं होता, और चुनाव इन लोग नहीं करते, और इन लोगों को पद नहीं मिलता, तो इन लोग जो आज हल्ला कर रहे हैं तो पहले ही करते। ये पद लुप लोग, देखिए साहब, दूसरों को बोलने के बजाय मैं तो सभी यही कहता हूँ, अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। तो बैंक का केवाईसी नहीं हो रहा, तो बैंक में मेरे से आप चेक लेके जाते हो, अब अध्यक्ष चेक में साइन करके देगा, महासचिव निकालेगा, कोषाध्यक्ष निकालता है, तो हमारे कोषाध्यक्ष महोदय भी बैठे हैं यहाँ पे, उनको उनसे पासबुक ले लिए,
कोष का काम कौन देखता है? कोषाध्यक्ष। यहाँ बैठे हुए कोषाध्यक्ष, उनका क्या अहमियत है? कभी उनको कोई कोषाध्यक्ष के नाम से कोई किया गया? उनको पासबुक और उनका क्या बोलते हैं चेक वगैरह बोले हमको दो, हम चलाएंगे। मेरा तो मन मर्जी क्या चलेगा, जो जो चलेगा भैया। अभी अभी मैं इसमें जाता हूँ सीधा सीधा। हाँ तो काय के लिए, अभी जो चल रहा है 13 साल से, उसका लिए हमने चाहे पार्लियामेंट्री कमेटी हो, चाहे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये मेरे पास